हेलो किसान भाइयों, आपको फार्मर हेल्पिंग चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपको हरे कम जो एक तरल खाद है इस बारे में बात करेंगे, जो एक उन प्रोडक्ट है, उन कंपनी का एक प्रोडक्ट है हनी कॉम्ब, एक बायो एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक लिक्विड। हनी कॉम्ब प्राकृतिक तरीके से निकल गया जो भी तरल खाद है, जो पौधों को बार बार तथा विकास का सहायक है। इसका उपयोग विभिन्न फसलों में किया गया, जैसे धान, गन्ना, गेहूँ, कपास, आलू, प्याज, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, नींबू, तो विभिन्न फसलों में हनीकॉम्ब स्प्रे कर सकते हैं एवं बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हनीकॉम्ब स्प्रे करने के बाद जो फसलों में वृद्धि सहायक है, कलियों, फूलों एंड फूलों में संख्या बढ़ाने में सहायक है। जो हनीकॉम्ब स्प्रे करने के बाद जो फूलों में है ना, उसका संख्या भी वृद्धि हो जाता है। हनीकॉम्ब जो एक तरल का दो फूलों में बार बार देता है, जिसमें इसको करने के बाद जो फ्रूट ड्रॉप होता है उसको भी इंक्रीज हो जाता है। इसको यूज करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हनीकॉम्ब एक क्लोरोफिल सहायक, जैसे मिर्च, टमाटर, क्यूकम्बर, खीरा, उसमें फल कलियों गिर जाते हैं। इसमें हनीकॉम्ब यूज करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वो जो एक बायो का एक प्रोडक्ट तरल खाद है, जो इसको यूज करेगा इसके बाद जो फूल गिर जाते हैं उसको में इसमें बहुत रिजल्ट अच्छा आता है। हनीकॉम्ब जो भी तरल खाद का डोज है लगभग 30 से 40 mL का एक एकड़ में स्प्रे करना जरूरत है। 30 से 40 mL एक एकड़ में स्प्रे करना जरूरत है, और 30 से 40 mL में 500 लीटर वाटर में का साथ स्प्रे करने का बाद उसका रिजल्ट मिलता है।